कभी भी किसी से ये मत बोलना कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। नेवर गिव दिस पावर टू एनीबडी, क्योंकि फिर आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। फिर क्या होगा, अगर उसने बोल भी दिया कि ठीक है मेरे हिसाब से तू मत कर, और फिर आप करते हो तो क्या होगा, उसकी ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी? अरे जब तेरे को करना ही वो था जो तू करना चाहता है या चाहती है, तो मेरे से पूछा क्यों, मैं बेवकूफ हूं क्या? ऐसा होता है, नहीं होता है? तो अगर आप किसी से डिस्कस कर भी रहे हो, डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि क्या उस पर्सन को, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उस फील्ड में या उस फील्ड से रिलेटेड किसी काम में कोई एक्सपीरियंस है, यानी प्रैक्टिकली क्या उसने कुछ किया है। अगर ऐसा कोई पर्सन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट जरूरी नहीं है वो पर्सन भी जो कहेगा उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक्टिंग में ट्राई किया हो और उसका नहीं हो पाया, तो आप भी एक्टिंग करना चाहते हो तो आप जाकर के उससे बात करोगे तो क्या कहेगा, अरे बेकार है, कुछ नहीं है, बहुत कंपटीशन है, ये है वो है, कुछ नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो तो तेरा कैसे होगा। हो सकता है उसमें टैलेंट ही ना हो, हो सकता है आप में हो, तो अब क्या करें? जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसकी हर साइड को देखो। हर साइड कौन सी हुई, एक हो गया उसका बेस्ट केस सिनेरियो, एक हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिनेरियोस? इफ यू से यस, तो आपको एक तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है। इफ यू से मैं बेस्ट केस सिनेरियो के लिए तो तैयार हूं, लेकिन वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हूं, मत करो। क्योंकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब क्या, अगर वो सिनेरियो है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब हो सकता है 50-50% चांस हो सकता है 90-10 भी हो, कि 10% चांस हो कि बेस्ट केस सिनेरियो में आप जाने वाले हो, 90% ये है कि वर्स्ट केस में जाने वाले हो। तो आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो? अपने आप से पूछो। इसको बोलते हैं रिस्क को कैलकुलेट करना, रिस्क मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? नहीं है। yes, क्योंकि अगर आपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप धक्के खा रहे हो इधर उधर। एक डिसीजन ले लिया उसके बाद में पूरी जिंदगी रो रहे हो बैठ करके कि मैंने क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करना है तो एकदम से आप एक्साइटेड हुए पड़े, चार्ज्ड हुए पड़े कि मेरे को तो ये करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, इसके लिए इतने लाख का लोन है, और अपने घर वालों को भी रो धो करके, लड़ झगड़ के, कन्विंस करके उनका घर गिरवी रख दिया। बेचारे आपके घर वालों ने जो इतना मेहनत करके एक घर बनाया, अब वो अपने बच्चे के आगे हार गए, क्योंकि आजकल कोई 20-30 बच्चे तो होते नहीं है कि भगा दिया, जा जाके मरता है मर जा, पूछ जा जाके छत से, ऐसा तो है नहीं, एक दो बच्चे होते हैं गिने चुने, तो वहां पर जान अटकी होती है माँ बाप की भी, तो उन्होंने भी आपकी जिद के आगे बोल दिया चल कोई नहीं जा तू कर ले। अब आपको एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, एकदम से बड़ा डिसीजन लिया और पता लगा जब फेल होगे तो क्या होगा, जो घर के अगेंस्ट में लोन लिया वो चुकाने के पैसे होंगे आपके पास या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो क्या होगा, बैंक क्या करेगा, अब घर आपसे ले लेगा, फिर आप कहां आ जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। क्या करोगे सड़क पे? एक दो दिन तो बड़ा एडवेंचरस लगता है कि हाँ सड़क पे बैठे होंगे, मैं बैठा होगा रेड लाइट पे, या मेरे पापा होंगे, या मम्मी होगी, या मेरी छोटी सी बहन होगी, हैं अंधे होने की एक्टिंग कर रही होगी, पैसे मिल रहे होंगे, मैं ये करूंगा तू ये करेगी, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है किसी बेवकूफ को अगर, बट एक्चुअल में क्या इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यू माइट से कि नहीं मैं वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं बेस्ट केस के लिए तैयार हूं। बेस्ट केस क्या है, कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा घर आ जाएगा, ये काम छोटे से घटिया से घर में रह रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, अब बेस्ट केस के लिए तो तैयार हो और उसके लिए एक्साइटेड हो, लेकिन वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हो, तो क्या ये डिसीजन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्टर बनना चाहते हो तो उसकी पॉजिटिव साइड तो सारी देख ली, एक्टर्स का पूरा लाइफ स्टाइल देख लिया इंस्टाग्राम पर जाकर के, आपको पता है एक्टर बनने के बाद क्या होता है, फैन फॉलोइंग देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, मतलब उसकी एक साइड तो आपने पूरी देख ली, दूसरी साइड देखी ही नहीं जिन लोगों के पास में 4-4 दिन तक खाने के लिए नहीं होता है, और जिनका एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ये भी तो एक साइड है या नहीं है? Yes, हमने वो कहानियां तो पढ़ ली कि 10-20 साल तक स्ट्रगल करी और फिर देखो उनको एक रोल मिला इस एज में जाकर के, और देखो आज क्या कर रहे, दिखने में बढ़िया नहीं है, तो वो तो सब हमने देख लिए, बट उसके पीछे के जो हजारों लाखों ऐसे केसेस थे जिनमें उनसे भी ज्यादा टैलेंट था, उनका कुछ नहीं हुआ, वो हमने देखा ही नहीं। तो हमने एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे एक्शन ले लिया, तो ये एक्शन सही एक्शन नहीं है। एक्शन मस्ट ऑलवेज बी टेकन बाय लुकिंग एट बोथ द साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, बेस्ट केस सिनेरियो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो, तब कह सकते हैं कि अब आप समझदार हो। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है आपको एक्सप्लेन करने में, लेकिन एक बार ये बातें समझ आ जाती है तो बड़ी जल्दी डिसीजंस हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लाइफ में कैसे डिसीजंस लेता हूं।
कि अगर ये करना है इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेट्स डू इट। अच्छा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो बट नॉट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, बाढ़ में जाए नहीं करना। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे कुछ इक्वेशंस है उसको समझने में बड़ा टाइम लगता है, साइंटिफिक कुछ इक्वेशंस है उनको समझने में बड़ा टाइम लगता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल एक बार समझ आ जाती है तो उन इक्वेशंस के बेस पर, उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कोई भी आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हो। तो ये एक तरह की इक्वेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या देखना चाहिए, मतलब इमीडिएटली नजर आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है। बट क्या हम ऐसे करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं, या तो सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो देखते रहते हैं और रोते रहते हैं बैठे बैठे, या बेस्ट केस सिनेरियो देख करके एक्साइटेड होते रहते हैं और सबसे लड़ते रहते हैं और कहते रहते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ है, मैं अकेला समझदार हूं। भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ हो क्योंकि आप दूसरी साइड को देख ही नहीं रहे हो। आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? आप कुछ करना चाहते हो, घर वाले यही तो कह रहे हैं आपको, क्या फेल हो गए तो क्या करोगे? नहीं नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता, मैंने सब सोच लिया है। क्या सोच लिया आपने? ये बातें सुनने में कड़वी तो नहीं लग रही? हाँ, नहीं हो सकता है कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो अपने किसी गोल को लेकर के, उसको कड़वी लगने लग जाएगी, उसको लगेगा मैं उसका दुश्मन हूं। जैसे कुछ लोग अपने घर वालों को अपना दुश्मन समझते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको बस एक दूसरी साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर आप देख लो तो आप बेटर तरीके से एक्ट कर सकते हो।